इस फ्रिज का गैस निकला हुआ है, इसको ऑलरेडी एक बार हम चेक करके जा चुके हैं, लेकिन आज आए हैं टोटल सेटअप लेकर के इसके अंदर गैस चार्जिंग करने के लिए। तो आइए गैस डालने की आगे की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। पिछला एक वीडियो में बताए भी होंगे कि इसका गैस जो निकला है ये फिल्टर ड्रायर के बगल में देख रहे हैं पूरा जंग लग के किया गया है, यही पाइप के पास से निकला है गैस। ये पाइप जो एल बना हुआ है देख रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक जंग लगा हुआ है और ऑयल का निशान आया हुआ है, तो इसको काट के हटा देंगे। इनको काट करके तो हटा दिए, लेकिन इतना पाइप जो छोटा हुआ है तो इसके जगह दूसरा पाइप जोड़ना पड़ेगा। मेरे पास ये क्वार्टर का कॉपर वाला पाइप है, इन्हीं को जो है एल बना करके जितना काटे थे उसमें से उतना ही जोड़ेंगे। जुड़ गया एकदम, फर्स्ट क्लास सोल्डिंग हुआ है यहाँ पर, लीकेज का कोई चांस ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर टोटल एल्डिंग वेल्डिंग वाला जितना भी काम था कंप्लीट हो गया, फिल्टर से लेकर के यहाँ गैस चार्जिंग करेंगे वो सारा चीज। इस फ्रिज के अंदर 600 नंबर गैस है, तो मेरे हाथ में 600 नंबर गैस का ही कैन है, यही डालेंगे। अगर अभी हम लाइन दिए भी हैं तो ये 3 मिनट बाद ही चालू होगा, क्योंकि इन्वर्टर फ्रीज है ये। कंप्रेसर तो इनका चालू हो चुका है, यहाँ मीटर का कांटा धीरे धीरे डाउन हो रहा है नीचे, वो अभी माइनस में ही जाएगा क्योंकि अभी तो सिर्फ वैक्यूम तोड़े थे। और इसके अंदर गैस डालेंगे और रनिंग प्रेशर जो है 0 ही रखना है हमको। यहाँ मीटर पर गौर कीजिएगा, इसका कांटा 0 पर आकर रुका हुआ है, जो कि रनिंग प्रेशर है 0 ही रहना चाहिए 600 नंबर गैस का। और इसका फिल्टर ड्रायर 1 नंबर गर्म हो रहा है। आइस बॉक्स में और कप में पानी डाल करके रख दिए फ्रीजर के अंदर ठंडक चेक करने के लिए। वैसे फ्रीजर के अंदर ठंडा होने लगा अच्छा खासा। 5 मिनट बाद फिर से हम इसको खोल करके देख रहे हैं, ठीक है फ्रीजर के अंदर क्या स्थिति है अभी बर्फ का। यहाँ देख रहे हैं कि हल्का हल्का आइस जो जमने लगा, जो पानी नीचे गिराए थे थोड़ा सा हम, वो पानी जो है बर्फ बन चुका है। जहाँ से हम गैस चार्जिंग किए थे वो केपलरी को काट करके हटा देते, ठीक है यहाँ पे काट करके हटा के इसको वेल्डिंग कर देंगे। हो गया ये भी काम कंप्लीट, यहाँ पे बढ़िया तरीका से ब्रिजिंग हुआ है, गैस लीकेज भी हम चेक कर लिए, नहीं हो रहा कहीं से भी। अब फिर से लगभग 5 मिनट बाद जो हम चेक करने के लिए जा रहे हैं इनके फ्रीजर को, और देख रहे हैं कि अच्छा खासा ठंडा होने लगा है, ठीक है। और आइस बॉक्स में यहाँ नीचे वाला पानी जो बर्फ बन चुका है, ऊपर वाला अभी बन ही रहा है। फ्लैश जला करके हम दिखा रहे हैं, अगर गौर से देखिएगा आपको आइस बॉक्स के ऊपर ऊपर जो है हल्का हल्का आइस दिख रहा होगा, मतलब अच्छा खासा ठंडा हो रहा है। वैसे इसके अंदर बर्फ जमने के लिए प्रॉपर कम से कम आधा से 1 घंटा छोड़ना होगा कोई भी चीज़ डाल करके। हम अपने तरफ से तो फुल श्योर है कि फ्रिज अच्छा खासा ठंडा कर रहा है, आधा से 1 घंटा में कोई चीज़ बर्फ बन जाएगा।